ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को बिल्लियों से प्यार हो गया है? I was never a cat lover. I don't like cats. नहीं, मैं cats नहीं पसंद कर सकती. नहीं, नहीं, नहीं. But मेरे को इनको देख के कुछ होने लग गया दोस्तों. क्या करूं मैं? Good morning guys. मैं आ गया अपने शूट से, बज रहे हैं सुबह के 7. आज हमारा शूट नहीं है क्योंकि कल से हमारा दिन में शूट होगा. अभी मैं काफी 4-5 दिन यहीं पर हूँ और इस बीच में शायद मुझे 1-2 दिन ब्रेक भी मिलेगा, तो मैं आसपास जो है एरिया एक्सप्लोर करूंगा. कुछ मंदिर वंदिर है वहां जाऊंगा, कई जगह जाऊंगा और कोशिश करूंगा आप लोगों को भी दिखाऊं. और बड़ा अच्छा आज सुबह उठी हूँ, आराम से कॉफी वगैरह पी, अविनाश से बात हुई क्योंकि उसका सुबह ही पैकअप हुआ था. जैसे ही वो सोने जा रहा था उससे पहले मेरी बात हो ही गई उससे. अब आई थिंक वो 3 बजे के करीब उठेगा, वो मुझे बोल रहा था, उसके बाद बात होगी मेरी. जैसे जैसे आज का दिन होगा आप लोगों को बताऊंगी. आज शायद घर पे चाचा आने वाले हैं और चाचा जैसे आपको पता ही है मेरी शूटिंग में मुझे मिले थे, उनसे एक मेरा बहुत अपनापन है, बहुत प्यार है. उनका कल फोन आया तो मैंने कहा चाचा आप आ जाओ, आज उनसे मिलवाऊंगी आपको. बड़ा अच्छा है, जैसे आप मुझे देख रहे हो ये मैंने ड्रेस पहन ली है. आज थोड़ा नाइट सूट जैसा फील दे रहा है ना, लेकिन इसको एक वैसे वो डाल दूंगी स्टोल सा, तो थोड़ा सा बेटर फील देगा. अच्छा, मैंने आपको ना सामान नहीं दिखाया अपना. उस दिन जो मैं लाई थी ना मीशो से, वो दिखा देती हूँ आपको सामान. ये देखो, ये एक मैं मैट लाई थी, ये चप्पल मैंने ली थी, ये चप्पल मेरे को बहुत ही अच्छी लगी थी. एक मैं ये कुछ कॉटन बॉल्स लाई थी जो कि मैंने आपको दिखाया था कि ये कॉटन वगैरह मैं लेने लगी हूँ. एक ये कॉटन ले ली थी, एक ये कॉटन ले ली थी. मैं आपको खोल के बता देती हूँ. This is so cute. ये मैंने लिया था. तो मैं ना सोच रही हूँ कि कुछ कुछ ना मैं आपको अपने फेस क्लीन वगैरह कैसे करती हूँ, फेस के कुछ वीडियोस वगैरह दिखाऊं क्लोजअप में, क्योंकि अभी रिंग लाइट भी मेरे पास आ गई है. तो मे बी जब मैं वो करूंगी, मेकअप वीडियोस बनाऊंगी या कुछ ऐसे बनाऊंगी ना, तो मैं क्यूट क्यूट चीजें यूज करूंगी. चिट्टू मामा आपके लिए नहीं है. एक ये है, क्यूट है. ये देखो, ये देखो, ये देखो आपके खाने के लिए. नहीं नहीं, मम्मा के सर का बैंड है बेटा. ये मैं कुछ लाई थी टॉयलेट्रीज का सामान, अगर मतलब ट्रैवल के लिए कुछ छोटे छोटे बॉक्स वगैरह रखते. एक ये बैग उन्होंने दिया था, अगर आपको याद हो तो, ये मैंने लिया था. ना मैं भी कहूँ इतना भारी क्यों लग रहा है, बॉल चिपकी हुई है. देखो भाई क्यूट बैग है. मैट को तो अमिता फटाफट लगा दे बाथरूम के बाहर. बेटा आपका नहीं है ये, समझ क्यों नहीं जाती. और ये मैं चालू जो मैं निकल गई हूँ डॉक्टर के पास से, और इतने प्यार से उन्होंने मुझे आई थिंक कड़ी चावल दिए, जो मतलब किसी की मम्मी ने, जिनसे मैं बात बात करती हूँ उनकी मम्मी ने, तो मैं लेके आ गई हूँ, खाऊंगी घर जाके. अमिता मेरे को बहुत भूख लगी है, खाना दे दे. अरे मैं किसी से बात नहीं कर रही, चलो यहाँ से. मम्मा भूखी लगी है, मम्मा को क्या बनाया है? राइस बनाए हैं. ये क्या राजमा? बेटा रुक जा, रुक जा. ये से कड़ी है, ये आलू गोभी की सब्जी है. थैंक यू सो मच आंटी जी. इवनिंग हो गई, 5:30 बज गए. पता नहीं यहाँ के ना मैं थोड़ा सा लेट गई और एकदम से मतलब नींद लग गई मेरी. अभी तक चाचा आए नहीं है, चाचा ने बोला तो था कि मैं आऊंगा. ऐसा आज वो लग रहा है ना, लो फील हो रहा है, लो. एक तो आप दिन में सो भी जाते हैं थोड़ा सा, वैसा भी आपको लगता है ना अजीब अजीब सा. जो औरत आपके सामने खड़ी है इसने मेरे को बताया नहीं कि दीदी 5:30 बज गए हैं. दीदी आपके कॉफी का टाइम हो गया, उठ क्यों नहीं रही हो, क्या हुआ है, बताइएगा या नहीं. एक्चुअली एक तो ना शायद राजमा चावल खा के भी ना एकदम कुमारी चढ़ गई, खा के मैं सो गई, लेट गई. लेकिन कॉफी बना नहीं पाएगी वरना मैं बनवाई लेती. ये मशीन सिर्फ मैं ही ऑपरेट कर सकती हूँ. तो चलो दोस्तों कॉफी पी जाए, आ जाओ. ऐसे नहीं होता यार लाइफ में, इंसान सोया रहेगा तो कैसे चलेगा. जब मैं ऐसे करती हूँ ना अपने आपको, फिर मैं उठ जाती हूँ. feeling better. लो चाचा आ गए. अरे चाचा, अरे क्या हाल है चाचा? अरे बहुत बढ़िया बेटा. कैसे हो आप? कैसे हो? आ जाओ. मैंने कहा पता नहीं कहाँ गए. अभी साड़ी थोड़ी सेहत अच्छी लग रही है आपकी. नहीं अभी थोड़ी ठीक है. हाँ आओ बैठो बैठो. चलो फाइनली आ गए. मेरे को लग रहा था आएंगे ही नहीं चाचा. मैंने कहा मैं अपनी कॉफी बना लेती हूँ, मैं पी लेती हूँ, आप तो आ नहीं रहे. क्या कॉफी का क्या लाए हो? अरे चाचा ऐसे क्यों करते रहते हो? सींगदा फिर चाचा मेरे लिए सींगदाना ले आए हैं. गुड़ लाए हो गाँव का? अरे वाह. लो जी चाचा ने मेरे लिए गाँव का गुड़ ले आए हैं. चाचा क्या पियोगे? चाय पियोगे? चाय बनवाओ. दूध वाली ही बनाना. तो चाचा मेरे लिए कुछ कुछ खाने के लिए लाए हैं जो कि हमेशा मैं शूटिंग पे खाती थी. लाओ चाचा. चाचा मेरे लिए हमेशा सींगदाना लेके आते हैं. चाचा अभी चाय पियेंगे. चाचा बता रहे हैं कि तबियत में पहले से मतलब अब बीच में देखा होगा गणपति पे जब आए थे तो बड़े कमजोर हो गए थे. अभी कह रहे हैं मैं खा पी के अभी थोड़ा बेटर हूँ, अच्छा हो गया हूँ. डायबिटीज के कारण थोड़ा सा वीक हो गए थे, लेकिन अभी एकदम सेहत आपकी अच्छी लग रही है. चीनी बताओ चाचा. थोड़ा
कितना देखो ये बस पक्का तुम्हारा वीडियो मेरा वीडियो बच्चे लोग हमारे देखते हैं वीडियो देखते हैं बच्चे खुश होते हैं। चाचा और मेरा रिश्ता तो मैं आपको क्या ही बताऊं। देखो कभी कभी होता है, हर एक से ऐसा नहीं होता। लोगों को लगता है कि जब हम लोग मिलते हैं तो अरे उस टाइम की बातें होती हैं, चलो वो जब शूटिंग होगी चलो ऐसा कर लिया, चलो वीडियो बना लिया, वीडियो में दिखा लिया। ऐसे ना हमारे वो जो शूटिंग में लोग थे ना, काफी सारे एक्टर्स, वो लोग ऐसी बातें मेरे को मालूम पड़ा कि पीछे करते हैं कि अरे दिखाने के लिए तो सब करते हैं, दिखाने के लिए इतने लोग नहीं करते। आप खुद बताओ चाचा, आपका जब वॉइस मैसेज आया तो मेरे कितने कॉल आए आपको? बहुत आया। मुझे ऐसा लगा चाचा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं इतना घबरा गई, मैं फोन पे फोन करी, इसलिए मैंने चाचा को बोला चाचा आप किधर भी हो ना आप मिलो। तबीयत ठीक थी, कहते मेरा गला थोड़ा खराब था। काफी व्लॉगर्स या काफी वीडियो बना के आप डाल देते हो और वो उसी मोमेंट्री होता है जब आप कोई चीज कर रहे होते हो तो उस समय दिखा देते हो, लेकिन मेरे रिश्ते ऐसे नहीं होते। मैं जो रिश्ते बनाती हूँ मेरे फिर वो ऐसे ही चलते हैं, यार बनाती नहीं हूँ। मेरे किससे बना, वो एक स्वीटी है जो आती है हमेशा घर पे देखते होंगे, और वही एक लड़की है जो मेरी बहुत सारी चीजें चाचा तक पहुंचा देती थी। वरना मेरा उस शो में किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। 2 साल के ऊपर हो गया शूटिंग को, शूटिंग भी खत्म हो गई। उन लोगों के आपस में भी रिश्ते होंगे कि नहीं होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे आज तक हैं। तो लगता है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता लास्ट तक अंतिम टाइम तक रहेगा। अरे चाचा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? नहीं सही बात है ना, मेरा पक्का तो मेरे लिए तो मेरे फादर जैसे हो आप। अरे तो दिन प्रति उम्र बढ़ रहा है ना। नहीं तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे मत बोलो, बेकार की बातें मत बोलो। तो जरा चाय वाय पी लें, कॉफी पी लें और थोड़ा बतिया लें, फिर मिलती हूँ आपको। चाचा के जाने का टाइम हो गया है, इनकी ड्यूटी है, इनका काम है, ये निकल रहे हैं अभी और मैं बच्चों को भी नीचे लेके उतरूंगी। चाचा बहुत अच्छा लगा और प्लीज आप आते रहा करो, बहुत अच्छा लगता है। अब अपना आशीर्वाद बस बना के रखो। बस बेटा आशीर्वाद बने रहो, भगवान दूना बल ताकत और जमीन से आसमान तक पहुंचा दे। जमीन पे खेत तक काफी नहीं है। ये छोटा सा एक तरह से आपको बेटी से सवाल नहीं। चाचा जल्दी आना है, हम भी आपके साथ ही उतर रहे हैं अभी। चल अमिता बच्चों को लेके चलते हैं। चलो चाचा। अच्छा फोन वोन करते रहना है। चल मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, तुम्हारा फोन आया तो इतना खुश हो गया कि अभी नहीं। मैं घबरा गई थी चाचा, आपकी आवाज सुन के ना मैं एकदम घबरा गई कि क्या हो गया तबीयत को। तो आपकी आवाज भी इतना ऐसा गला आपका हुआ हुआ था ना। चलो आप अपना ध्यान रखो, मिलते हैं हम जल्दी। हाँ अच्छा चाचा। ये ना अमिता ये खाना लेने के लिए नीचे आए हुए, तो इसको पहले कट करना पड़ेगा मेरे को। मैं तब तक इसको लेके घसीट के आगे ले जाती हूँ, और वो बिल्लियों के लिए भी और भी खाना ले ले। वो इधर नहीं नहीं उनको तंग नहीं करना। चलो चलो यहाँ पे, चलो चलो यहाँ पे, चलो ये भैया गेट पे दो मनी भाई को खाना। अमिता डाल दे इनको, या दोनों डब्बों में डाल दे खाना। हाँ ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को बिल्लियों से प्यार हो गया है। आई वॉज नेवर अ कैट लवर, आई डोंट लाइक कैट्स। नहीं मैं कैट्स नहीं पसंद कर सकती, नहीं 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 यार। लेकिन ये ऐसे आने लग गई है ना मेरे पास, मैं क्या करूं, मैं बहुत हैरान हूँ। मुझे देख के जैसे आती है ना यार, ये मेरे खेलने लग गई है। एक और है काली वाली, वो भी बहुत खेलने लग गई। लड़का है लड़की मुझे नहीं पता, बट यार आई एम नॉट अ कैट पर्सन, बट मेरे को इनको देख के कुछ होने लग गया दोस्तों। क्या करूं मैं, कैसे निकलूं इस षड्यंत्र से? ये षड्यंत्रकारी होते हैं कुत्ते बिल्ली। दोस्तों सुबह आपसे बात हुई थी, उसके बाद हो रही सीधा रात, क्योंकि मैं ऐसा सोया हूं कि मैं उठाऊं 7:30 बजे शाम को, खाली बीच में लंच किया उसके बाद दोबारा सो गया, क्योंकि अब तक नाइट शूट हो रहा था, अब कल से डे में है, तो इसलिए अब आज की छुट्टी, और इसलिए हम देखने जा रहे हैं तू झूठी मैं मक्कार। तो जी हम लोग निकल पड़े हैं तू झूठी मैं मक्कार देखने के लिए, और आज बड़ा रिलैक्स्ड फील हो रहा है, बहुत दिनों के बाद पूरी नींद पूरी हुई, क्योंकि पूरा दिन सोया हूं मैं। अब आप लोगों को मैं मिलता हूं थिएटर में। अरे बहुत अच्छा मॉल है यार, मैं तो काफी इंप्रेस हो गया ये मॉल को देख के। स्टारबक्स भी है, मुझे पता नहीं था, वरना मैं आ जाता यहाँ पे कॉफी पीने, लेकिन अब बाकी जितने दिनों मुझे पता चल गया स्टारबक्स कहाँ पे, और मैं जरूर आऊंगा। तो जी रात हो चुकी है, मैं थोड़ा सा टीवी एज यूजुअल लगा लिया मैंने, कुछ ना कुछ तो मैं देखूंगी। लेकिन ब्लॉग एंड करने से पहले ना मैं ऐसे ही जस्ट एक छोटी सी दिल की बात करना चाह रही हूँ, और आपको कुछ बताना भी चाह रही हूँ। देखो जब हम लोग सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं, जैसे अभी चाचा आके गए घर पे, तो इन्हीं से मुझे ना एक अभी हाल ही का इंसिडेंट याद आ रहा है, और मैं अपने बारे में भी आपको बताऊंगी फाइनली उस चीज का क्या हुआ उस बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अभी कुछ दिन पहले ना हमारे सोसाइटी में एक बुजुर्ग अंकल ही थे, दमास का प्रॉब्लम होता है ना मुस्लिम्स को, तो कई बार वो उनको टच अगर डॉग कर जाए तो ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम होती
की है उस चीज से। तो मेरे डॉग्स क्या है, वो एकदम से लिफ्ट खुलती है, वो अपने आप चल के जाते हैं, किसी को तंग नहीं करते, ना ही किसी को सूंघते हैं, कभी कुछ नहीं करते हैं। बट जैसे लिफ्ट खुली ना, तो शायद वो अंकल अभी बिल्डिंग में आए, नए आए हैं, वो बाहर निकल रहे थे लिफ्ट से और चेरी अंदर घुस रही थी, तो चेरी अपनी बॉल लेके अंदर जाती है, उनको नहीं पता था, वो एकदम से ना बहुत तेज चिल्लाने लग गए। वो चिल्लाए तो छुनछुन डर गई, छुनछुन उल्टी तरफ भागती है, तो मैं यहाँ पे संभालू कि वहां पे संभालू, उस चक्कर में मैंने भी थोड़े से हार्ड वर्ड्स यूज कर दिए और मुझे भी बहुत बुरा लगा कि उन्होंने जिस तरह से झटका ना कि अरे इनको हटाओ, तुमको समझ नहीं आता है, इनको हटाओ। तो आई थिंक अगर वो मुझसे तरीके से बात करते तो मैं समझ जाती, दो मेरे डॉग कुछ भी कर नहीं रहे थे लेकिन उनको ऐसा लगा। बट मेन चीज मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ कि उसके बाद क्या हुआ, तो ऑब्वियसली वो लड़ाई झगड़ा हुआ और आई ऑल्सो गॉट वेरी एंग्री। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं और बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से पहचानते हैं, मेरी सोसाइटी में कभी किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है, तो ये फर्स्ट टाइम क्या हुआ, तो आई ऑल्सो वॉज यू नो वेरी अपसेट। तो मैंने क्या किया, वो दिन जाने दिया, मैंने अविनाश को आके बताया, अविनाश को बताते बताते मेरे को खुद को रियलाइज हुआ, मैंने कहा जो भी है वो हमसे बड़े हैं, वो कुछ भी करें, वो हमें उल्टा भी बोले तो उन्हें माफ है, हम उनको उल्टा जवाब देके हमें क्या ही हासिल होगा। तो मेन ये मैं यहाँ पे ये नहीं बता रही हूँ कि गलती उनकी थी या गलती मेरी थी, ना मेरी गलती थी ना उनकी गलती थी, बट ये गर्मा गर्मी में हो गया। आपको मालूम है मैं उसी दिन, मतलब उसके नेक्स्ट डे, मुझे नहीं पता था कि मेरे एक माला नीचे ही रहते हैं वो, तो मैंने नीचे से पता किया कि वो अंकल कौन थे, तो मैं ना उनके घर पे गई और उनके घर पे उनकी डॉटर ने दरवाजा खोला और जैसे दरवाजा खोला ना, शी स्टार्टेड सेइंग सॉरी 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 संभावना जी, हमको नहीं पता था। मैंने कहा एक सेकंड, नो नहीं नहीं प्लीज, हमें हमारी कोई गलती नहीं है, आई एम रियली सॉरी, उनसे ना गलती होगी। मैंने कहा एक सेकंड, मैंने कहा आप अंकल को बुलाओ, आई रियली वॉन्ट टू से सॉरी बिकॉज वो बड़े हैं, मुझे भी तरीके से बात करनी चाहिए थी, मेरी भी गलती है। तो मुझे ना अंदर से जब सीनियर सिटीजन के साथ कोई भी बुरा करता है, कोई भी बुरा व्यवहार करता है, मैं खुद भी करती हूँ, अगर मुझसे गलती से ऐसे हो जाए, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर लूं तो मुझसे ना मेरे अंदर वो उथल पुथल हो जाती है और मैं उस चीज को ले नहीं पाती। फाइनली आई मेट हिम, फिर वो दोबारा लिफ्ट में मिले, उस दिन घर पे वो थे नहीं, मुझे लिफ्ट में मिले, मैंने कहा अंकल आप वही हो ना जिससे मेरे झगड़ा हुआ था। मैंने कहा अरे बेटा जो हो गया हमें पता लगा आप घर आई हो। मैंने कहा अंकल मैं दोबारा आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी, मेरी गलती थी, आप बड़े हो, आप गलत नहीं हो। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि हम लोगों में ना ये समझ होनी बहुत जरूरी है कि बुजुर्गों के प्रति, सीनियर सिटीजन के प्रति, जो ऐसे ओल्ड लोग होते हैं जैसे चाचा आए हैं, उनके प्रति मेरे अंदर ना बहुत एक प्यार है जो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। आई रियली होप आप मेरी इमोशंस को समझो और इसी चीज के साथ मैं आप लोगों को भी समझाऊंगी कि जब भी हम लोग किसी बुजुर्ग के साथ बदतमीजी करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, तो उसको कितनी ठेस पहुंचाती होगी। तो एज अ ह्यूमन आपको भी कहीं ना कहीं वो समझ में आता होगा, मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे, लेकिन जो बात नहीं समझ पा रहे मैं उन लोगों को बोल रही हूँ कि आगे से आपको कभी भी रोड पे इधर उधर चलते हुए कोई सीनियर सिटीजन दिखे ना, तो उसका हाथ पकड़ के आप रोड क्रॉस करा दो, आपको मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपका वो दिन, आपका वो हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। ऐसा होता नहीं है मेरे साथ, ये हुआ इसलिए मैं आपको एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि दिस इज व्हाट आई फील फॉर सीनियर सिटीजंस। मैं जब प्यार करती हूँ मैं बड़ा दिल से करती हूँ, मेरा लगाव बड़ा दिल से होता है, मैं चीजें व्लॉग में आती हैं तो दिख तो जाती है, लेकिन एक होता है दिखाना और एक होता है कुछ दिखी जाती है अपने आप। तो मैं व्लॉगिंग जरूर करती हूँ लेकिन दिखाने के लिए नहीं करती हूँ, मेरे साथ कुछ चीजें हो जाती हैं वो मैं आपको कभी कभी शेयर करना चाहती हूँ, वो मैं शेयर कर रही हूँ। विद दिस आई एम गोना एंड दिस व्लॉग और आपको मिलूंगी मैं कल के व्लॉग में, तब तक आप कर लो इस लाइव, जो नहीं कर रहा है आपको करना है तो करो, लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। थैंक यू।